हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में स्वागत है। आप मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों एमएस एक्सेल के अंदर डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके हम किस प्रकार से एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमें एज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करेंगे आपको डेट ऑफ बर्थ के द्वारा। जैसे हमने हमारी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर रखी है, जैसे एमएस एक्सेल के अंदर ये देखिए एक छोटी सी टेबल इंसर्ट कर रखी है हमने एमएस एक्सेल के अंदर। तो आप इस प्रकार, जैसे अगर आपको डेट इंसर्ट करनी नहीं आती तो आप उसकी वीडियो भी मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में देख सकते हैं किस प्रकार हम डेट इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये देखिए, हमने जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ डेट ऑफ बर्थ ले ली है डेट। तो अब इसके द्वारा हमें एज कैलकुलेट करनी है हमारी यूज करके, फॉर्मूला यूज करके। तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, चलिए हम बात करते हैं। इससे पहले, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो जैसे हमने यहाँ ब्लैंक सेल पर क्लिक कर लिया जहाँ भी हमें एज कैलकुलेट करनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें एज कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज करना है, डेट डिफ का यूज करना है। डेट डिफ का यूज करने के लिए जैसे एज के अंदर पहले हम इसे जैसे तीनों ब्लैंक को ले लेंगे और फॉर्मेट सेल पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट सेल में हमें यह नंबर लेना है और ओके पर क्लिक करना है। फिर इसके अंदर अब जैसे एमएस एक्सेल के अंदर हमें फॉर्मूला यूज करते हैं, तो फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इक्वल टू प्रेस करते हैं। इक्वल टू प्रेस कर लिया, फिर डेट डिफ फॉर्मूला का यूज करेंगे हम इसके अंदर। ये देखिए, डेट डिफ का फॉर्म यूज कर लिया, फिर ब्रैक स्टार्ट। ये देखिए, जैसे हमने ये एंटर किया ये आ गया। ये देखिए, डेट डिफ एंटर कर लिया। अब हमें किसकी कैलकुलेट करनी है डेट ऑफ बर्थ, हम इसकी कौन सा C4 सेल, हमारा कौन सा सेल है C4 सेल, फिर कॉमा प्रेस, फिर टुडे। ये देखिए, टुडे प्रेस किया, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे टुडे ही, फिर कॉमा प्रेस, फिर डबल कोट प्रेस करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, ईयर निकालना है। तो ईयर निकालने के लिए वाई प्रेस करेंगे, डबल कोट प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस। तो ये देखिए, ये है हमारे पास यह 26.00 आ गया। क्यों आ गया, हमने जैसे नंबर लिखा है, नंबर में हमें दोबारा से इसकी फॉर्मेट सेल पर क्लिक करेंगे और नंबर्स में आपको जिस भी हिसाब से नंबर्स लिए हैं, डेसिमल सिंपल लेना है सिंपल लीजिए, टू डेसिमल प्लेस लेना है तो टू डेसिमल ले लीजिए। हम ये देखिए सिंपल ले लिया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, सिंपल हमारे पास 26 आ गया है। तो इसी प्रकार इसे आप नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे तो बार बार फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं है हमें। तो ये देखिए, ऑटोमेटिक हमारी एज कैलकुलेट होके आ गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।